साइंटिस्ट हैं उन सभी लोगों को स्विच वर्ड के बारे में भी बहुत ही जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि वे दूसरे लोगों की हीलिंग करते हैं। तो हीलिंग के दौरान आपको ऐसे स्विच वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप हीलर हैं तो आपको स्विच वर्ड ऑफ का मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। ऑफ यानी कि OFF, ऑफ यानी कि ऑफ का मतलब होता है कि बंद करना या ब्रेक करना, जैसे कि स्विच ऑफ करना का मतलब हो गया पंखा चल रहा है तो उसको ऑफ करो, यानी कि जो स्पीड है उसको ब्रेक करो। जैसे टू टू ब्रेक अ बैड हैबिट, इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर किसी को बैड हैबिट है, बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं बैड हैबिट हो जाती है, जैसे कि स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ड्रिंक यानी कि वाइन ड्रिंक करना, गांजा अफीम या गुटखा पान मसाला, इस तरह की बैड हैबिट, या बहुत लोगों को गालियां देने की हैबिट पड़ जाती है, उनको पता नहीं चलता कि वो कब कब गाली देते हैं। या वो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल बंक करते हैं, स्कूल बंक करने की हैबिट होती है, घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए और स्कूल में पहुंचते नहीं है, वहां से कहीं मार्केट में घूमते हैं, फिल्में देखते हैं और शाम को छुट्टी के टाइम घर चले जाते हैं। या गाँव में तो ऐसा होता है कि बहुत लोग घर से निकलते हैं बच्चे और स्कूल जाने के लिए, और स्कूल में ना जाकर खेत में चले जाते हैं, गन्ने के खेत में दिन भर बैठे रहते हैं या अरहर के खेत में बैठे रहते हैं या इधर उधर घूमते हैं। जब शाम होती है स्कूल का टाइम तो बच्चों के साथ मिलकर घर चले जाते हैं, तो घर वाले तो जान रहे हैं कि बच्चा पढ़ने गया है, लेकिन बच्चा तो जाके गन्ने के खेत में 4-5 घंटे 6 घंटे टाइम पास करके आ रहा है। तो ऐसे ऐसे मतलब बैड हैबिट हो जाती है, तो बच्चा क्या पढ़ेगा? और जितने भी बैड हैबिट है उसके लिए आपको स्विच वर्ड ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑफ 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 101 टाइम लिखना है आपको। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के बैड हैबिट को छुड़ाने के लिए हीलिंग कर रहे हैं एज ए एंजल थेरेपिस्ट, तो आपको जब आप हील करें उसको तो एंजल आर्केंजल राफियल, आर्केंजल माइकल, आर्केंजल गैब्रियल, इन तीनों लोगों को रिक्वेस्ट लगाइए पहले। तो रिक्वेस्ट लगाने का तरीका मैंने दूसरी दूसरी वीडियो में बताया है, और जो लोग भी ट्रेनिंग लेते हैं उनसे भी लोगों को रिक्वेस्ट लगाने का तरीका पता रहता है। तो सेम प्रोसेस रहेगा रिक्वेस्ट लगाने का, वो मैं अभी नहीं बताने जा रहा हूँ, हर वीडियो में बताया है मैंने, अब बार बार वो बताना ठीक नहीं है। तो जब आप हील करना शुरू करें तो इन तीनों आर्केंजल्स को रिक्वेस्ट लगा लें, आर्केंजल माइकल, आर्केंजल राफेल और आर्केंजल गैब्रियल, इन तीनों को रिक्वेस्ट लगा लें, और रिक्वेस्ट लगाने के बाद से जब वो हील करना शुरू करते हैं एंजल्स, तब आप स्विच वर्ड का इस्तेमाल करिए। उस व्यक्ति की फोटो को देखते हुए, किसी व्यक्ति को हील कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपके पास तो है ही, उसका नाम भी है, एज भी है, एड्रेस भी है, राइट, इतनी सारी चीजें हैं। तो अब आप जब हील कर रहे हैं तो उसके फोटो पर फोकस करिए, उसके नाम पर फोकस करके लिखिए ऑफ ऑफ ऑफ। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या बताया है, डिवाइन वर्ड जोड़ दीजिए, डिवाइन यानी कि डिवाइन ऑफ, डिवाइन ऑफ, डिवाइन ऑफ, डिवाइन ऑफ, डिवाइन ऑफ, 101 टाइम बोलना है जब आप हीलिंग करें। कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट हीलिंग करने बैठे हैं, अफर्मेशन तो डाल रहे हैं कि इस व्यक्ति को, इस नाम के व्यक्ति को, उसकी फोटो को देखते हुए एंजल्स की मदद से बैड हैबिट्स छुड़ा दी गई है और ये अब किसी भी बुरी आदत से मजबूर नहीं है, इसके अंदर सारी आदतें अच्छी बनती जा रही हैं और अच्छी आदतें लगती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है और हेल्दी भी हो रहा है, वेल्दी भी हो रहा है और ब्रेन पावर भी इसकी बढ़ रही है, स्पिरिचुअल भी हो रहा है, और इसके घर वाले सभी लोग अच्छे हैं, मतलब इसके घर वाले इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, और इसकी जो रिलेशनशिप है वो भी इसकी अच्छी हो रही है, और टॉकिंग इसकी अच्छी हो रही है, वॉकिंग अच्छी हो रही है, मतलब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। डिवाइन ऑफ, डिवाइन ऑफ, डिवाइन ऑफ, डिवाइन ऑफ, 101 टाइम यानी कि 101 बार लिखना है और 101 बार बोलना है। जिस व्यक्ति को आप हील कर रहे हैं, राइट, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, उससे डिटेल आपने मंगाई ली है, अब आपको ये स्विच वर्ड देना है। अगर उसको अपनी हैबिट, बैड हैबिट छुड़वानी है, शराब पीने की आदत है बहुत लोगों को, सिगरेट पीने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, इस सारी आप बुरी आदतों से वो तो परेशान है ही, अगर उनको अच्छा लग रहा है तो इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स बहुत परेशान हैं, उनकी पत्नी, बच्चे, उनको बहुत तकलीफ होती है,
किसी का हस्बैंड शराब पी के घर में आता है, बदबू फैलाता है और उसके बच्चे उसकी पत्नी परेशान होते हैं और गुस्से में शराब के नशे में मारता पीटता भी है, गालियां भी देता है, कितना कलह पैदा कर देता है घर के अंदर। बच्चे भी दहशत में आ जाते हैं और उसकी पत्नी भी परेशान हो जाती है और उसके रिलेटिव भी परेशान होते हैं, उस पत्नी के मायके वाले परेशान, क्योंकि पत्नी परेशान होकर अपने मायके वालों को भी ये सारी बातें बता देती है, तो मायके वाले भी परेशान हो जाते हैं। जो जाहिर सी बात है, कोई भी है, बेटी बहन है किसी की, तो वो उसके भाई पिता जो भी है वो सभी लोग परेशान होंगे। तो ये सब परेशानियां दूर करने के लिए डिवाइन ऑफ स्विच वर्ड का इस्तेमाल करिए और 3 आर्कएंजल्स के बारे में मैंने बताया था उनका इस्तेमाल करिए, 100% नहीं 1000% उसकी बैड हैबिट खत्म हो जाएगी। राइट, थैंक यू।